बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था और वो टेस्ट रिलेटेड टू कम्बिनेशनल लॉजिक था। उसके अंदर जो चीज़ें आप लोगों ने कवर की उसमें कम्बिनेशनल सर्किट, कम्बिनेशनल लॉजिक्स, एडर्स, सब्ट्रैक्टर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, कैरी प्रोपगेशन और इसी तरह से जो मज़ीद इनसे रिलेटेड टॉपिक्स थे वो आप लोगों ने कवर किए। अब कम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर ही फर्दर इसके जो टॉपिक्स हैं वो डिकोडर एंड इनकोडर आते हैं, तो इनको आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे के व्हाट इज़ डिकोडर, और इसके साथ साथ जो इनकोडर है वो एक अलहदा से टाइप है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे इस वीक में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर डिज़ाइन प्रोसीजर्स फॉर डिकोडर, स्टार्ट फ्रॉम द वर्बल आउटलाइन of the problem and ends in a logic circuit diagram। पहला स्टेप इसका डिज़ाइन का वही है कि आपने एक वर्बल आउटलाइन से स्टार्ट करना है, एक स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को, और एंड कहाँ पे करना है, एक लॉजिक सर्किट डायग्राम पे आपने एंड करना है इसके डिज़ाइन प्रोसेस को। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। Step one is the problem is stated. Step two is input and required output variables are determined. Step three is assigned the variables letter symbols. Step four is make the truth table. Step five is the simplified Boolean functions for each output is obtained. And the last step six is the logic diagram is drawn. So these are the design procedure, and the procedure have six steps to carry this design. So here in your screen, you guys can see an IC that is used for a decoder circuit. Market में आपको decoder के लिए और भी ICs available होंगे, तो इन ICs को आपने समझना कैसे है और कैसे इनको आपने सर्किट में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए एक जनरल इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपके पास, क्योंकि ये एक डिकोडर सर्किट को हम स्टडी कर रहे हैं तो इसकी डिटेल में बेसिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। इसमें आपके पास फोर इनपुट्स हैं, ये जो आईसी आपको शो हो रहा है इनके जस्ट आप लिखेंगे डिकोडर आईसी तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आईसीज अवेलेबल होंगे। तो इसमें आउटपुट पिन्स आपने देखनी है कि एक तो आउटपुट पिन्स ये हैं 1 to 7, और देन आपके पास ये 9 to 11 ये पिन्स भी हैं। फिर आपके पास ये सप्लाई की पिन आ जाती है और ये वाली पिन ग्राउंड की आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक डिकोडर आईसी को। ये इसका सिंबल है और इसमें पिन्स के साथ आपको बताया गया है। जो इनपुट पिन्स हैं वो ए बी सी डी के लिहाज से यहाँ पे
शो की गई हैं और आउटपुट पिंस आप देख सकते हैं 0 to 9। तो यहाँ पे हम लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि डिकोडर के बारे में इंफॉर्मेशन है। अ डिकोडर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स ऑन इट्स इनपुट्स एंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दैट कोड बाय अ स्पेसिफाइड आउटपुट लेवल। एक डिकोडर जो है वो डिजिटल सर्किट है जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन को, इसके जो इनपुट्स वाली पिन्स हैं वहाँ पे, एंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दैट कोड बाय अ स्पेसिफाइड आउटपुट लेवल, और उसी कोड को एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन के साथ आपको आउटपुट पे ये फरहम करता है। ए डिकोडर हैज़ एन इनपुट लाइंस टू हैंडल एन बिट्स एंड फ्रॉम 1 to 2n output lines to indicate the presence of one or more n bit combinations, or it is a combinational circuit that converts binary information from n input lines to a maximum of 2^n unique output lines। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n इनपुट्स हैं तो डिकोडर जो है आपको 2^n आउटपुट, यूनिक आउटपुट फ्राहम करता है। सपोज़ यू नीड टू डिटरमिन व्हेन अ बाइनरी 1001 अकर्स ऑन द इनपुट्स ऑफ अ डिजिटल सर्किट। आपके पास फ़र्ज़ करें एक डिजिटल सर्किट है, आपने उस सर्किट में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कब 1001 अकर हुआ। सम टाइम आप ये स्नैरियो चेक करें कि अगर आपने चेक करना हो कि एक बाइनरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, 4-bit बाइनरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और आपको कोई अलार्म बज जाए, कोई कोई लाइट इंडिकेशन हो जाए जब 1001 आए वहाँ पे इनपुट साइड पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसको सोचें कि हम कैसे इस सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये इसका प्रोसीजर है जिसमें एक एंड गेट यूज़ किया जाता है एज अ बेसिक डिकोडिंग एलिमेंट, because it produces a high output only when all of inputs are high। एंड गेट की आपको स्पेशलिटी पता है कि ये 1 कब होता है, 1 means high, 1 कब होता है जब इसकी तमाम इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी, हाई मीन्स 1 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, फिर आप आउटपुट पे 1 या हाई आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एंड गेट की स्पेशलिटी है, और यहाँ पे इसको हाई वर्ड के साथ यूज़ किया गया था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिकोडिंग इज़ नेसेसरी इन ऑल एप्लीकेशंस सच एज डाटा मल्टीप्लेक्सिंग, 7-segment display and memory address decoding। डिकोडिंग जो है आपको कहाँ कहाँ पे या किन एप्लीकेशन में ज़रूरी है या उन वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो डाटा मल्टीप्लेक्सिंग में है, देन आप 7-segment display के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग में भी यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना इनको, क्योंकि
क्योंकि नेक्स्ट जो है आप यूज़ भी करेंगे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के लिए भी। अगर आपको याद हो तो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इस तरह से होता है। तो ये सेवन सेगमेंट्स हैं, इसको अगर आपके पास थ्री इनपुट्स हैं, टू इनपुट्स हैं, फोर इनपुट्स हैं, वहाँ से आपने एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, एक डेसिमल डिस्प्ले आपने शो करवाना होता है, या फोर इनपुट बाइनरी है तो आपके पास दो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आ जाएंगे, तो उसको आपने सेवन सेगमेंट पे डिस्प्ले कराना होता है। और ये आप इसको कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले करा सकते हैं, ज़ीरो टू नाइन तक। तो उसके लिए भी आपको डिकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर डिकोडर को हम दो तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं इन ईजी वर्ड्स। वो क्या है, ए डिकोडर दैट कंटेन्स इनेबल इनपुट्स इज आल्सो नोन एज डिकोडर डी मल्टीप्लेक्सर। कुछ आईसी जब अगर आप इनको सर्च करेंगे उन आईसीज में इनेबल इनपुट्स भी होंगी, इनेबल इनपुट्स, तो ऐसे डिकोडर को आप डिकोडर डी मल्टीप्लेक्सर भी कहते हैं। ये भी अब आप लोगों ने इसको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डिकोडर डी मल्टीप्लेक्सर, तो आपको ये आना चाहिए कि इसके बैक एंड पे ये क्या है, व्हाट इज़ डिकोडर डी मल्टीप्लेक्सर। देन ए डिकोडर इज़ अ डिवाइस विच डज द रिवर्स ऑफ एन इनकोडर। ये तो ज़ाहरी सी बात है कि जो डिकोडर है वो इनकोडर का रिवर्स है, और इनकोडर जो है वो डिकोडर का रिवर्स है। अनडूइंग द इनकोडिंग सो दैट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड। इनकोडिंग को ये अनडू करता है, अनडू करके जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको रिट्रीव करने का डिकोडर कहते हैं। कोई भी एक इंफॉर्मेशन इनकोड है किसी भी फॉर्म में, उसको अनडू करके डिकोड करना या रिट्रीव करना उसको डिकोडर कहते हैं, ऐसे डिवाइस को डिकोडर कहते हैं। अच्छा, ये अगर आपको याद हो स्टार्ट में हमने एक क्वेश्चन था, हमने तो नहीं स्लाइड्स में एक क्वेश्चन था कि आपने डिटेक्ट करना है कब 1001 अकर होता है इनपुट साइड पे। उसको डिटेक्ट करने के लिए आप कैसे सर्किट एक बिल्ड करेंगे। इसके लिए आपको एक हिंट दिया गया था, उस हिंट में अगर आपको याद हो तो एंड गेट का हिंट था, और बताया था कि उसकी हाई इन आउटपुट कब आती है। ठीक है, हाई आउटपुट कब आती है, जब दोनों इनपुट्स हाई हों, हाई मींस वन होंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आपने एंड गेट लिया, ओके एंड गेट ले लिया। अच्छा, अब आपके पास आप आउटपुट पे एक इंडिकेशन चाहते हैं जब आप आपकी इनपुट जो है 1001 होगी। अब आउटपुट पे आपकी इंडिकेशन नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, कि एंड गेट तो परफॉर्म ही नहीं करेगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दो इनपुट्स ज़ीरो हैं। अब इन दो इनपुट्स को भी वन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट साइड पे नॉट गेट लगाने पड़ेंगे फॉर दीज टू इनपुट्स। जब आपने इन दो इनपुट्स के लिए नॉट गेट लगा दिए, तो अब देखें कि आपके पास जो सारी चार इनपुट्स हैं वो क्या हो रही हैं, ये इनपुट आपकी वन होगी, दूसरी भी वन होगी, तीसरी भी वन होगी, और फोर्थ भी वन होगी। तो ये वन कब होंगी, जब आपके पास ये वाला केस आएगा, सिर्फ आपके पास जब ये वाला केस आएगा तब चारों इनपुट्स आपकी
एंड गेट से पहले पहले वन हो जाएंगी। अगर वो वन या हाई हो जाएंगी तो आपके पास आउटपुट भी हाई आएगी। उस हाई आउटपुट पे आप कोई अलार्म लगा सकते हैं, कोई एलईडी लाइट लगा सकते हैं ताकि आपको एक इंडिकेशन वहाँ पे शो हो जाए। अब इसी सर्किट को अगर हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज योर इनपुट्स आर ए ज़ीरो, ए वन, ए टू एंड ए थ्री एंड यू आर ऑब्टेनिंग द इनपुट एट द इनपुट्स ऑफ एंड गेट ए नॉट एज इट इज़, ए वन कॉम्प्लीमेंट, ए टू कॉम्प्लीमेंट एंड ए थ्री एज इट इज़। And what will be the final equation at output side? At output side, your final equation is x is equal to a3, you will start from MSB, a3, a2 complement, a1 complement and a0. So this is your final output equation. तो इस सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन था स्टार्ट में कि बाइनरी इंफॉर्मेशन 1001 केस जब अकर होगा तो उसको आपने आउटपुट साइड पे इंडिकेट करना है या आउटपुट साइड पे डिटेक्ट करना है। कुछ भी आप कह सकते हैं, आउटपुट साइड पे आपको एक इंडिकेशन आना चाहिए कि जब ये वाला केस अकर होगा एट इनपुट साइड। उसके लिए आपको सबसे पहले जो हिंट आपके माइंड में आया वो एंड गेट का आया। अच्छा, एंड गेट के बाद अब आप देख रहे हैं कि जब इनपुट 1001 है तो एंड गेट विल प्रोड्यूस ज़ीरो, देन हाउ कैन यू मेक इट हाई एट आउटपुट साइड व्हेन यू हैव इनपुट्स एज 1001? यू विल एड टू नॉट गेट फॉर 00 inputs to make these two inputs as 1 1, so that you will get a high output. And after designing this circuit, you can also express it in a equation or expression form just like this. चलें, अब आप यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो अब हमने सिंपली एक 2-4 लाइन सिंगल बिट डिकोडर डिज़ाइन करना है। देखें, स्टार्ट में आपके पास जो फार्मूला था, अगर आपके पास n इनपुट्स हैं तो आउटपुट आपके पास कितनी होंगी? 2 raise power n। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो इनपुट्स हैं वो 2 हैं और आउटपुट्स कितनी होंगी? 4। और आउटपुट कैसे आपने फाइंड की? 2 raise power n से, कि एक डिकोडर है, अगर आपको कहा जाए कि उसकी इनपुट्स 3 हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिकोडर की आउटपुट कितनी होंगी। अगर 4 हैं तब कितनी होंगी, अगर 8 इनपुट्स हैं तब आउटपुट कितनी होंगी। तो इसमें देखें कि आप इसको किस तरह से डिकोडर को एक सिंपली 2-4 लाइन सिंगल बिट डिकोडर डिज़ाइन कर सकते हैं। 2 आपके पास इनपुट्स आ गई, A0 एंड A1। उसको आपने ट्रुथ टेबल में सबसे पहले A0 A1 के जो कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपने लिख लेने हैं, 0 0 एंड 1 1, देन 0 1 0 1, ये उसके इनपुट्स के कॉम्बिनेशन हैं। अब आउटपुट पे आपके पास चूँकि 4 आउटपुट्स हैं तो वो आउटपुट आप कैसे ले सकते हैं? डिफरेंट केसेस, 4 एंड गेट आपने यूज़ किए यहाँ पे,
और उन चारों गेट्स पे सबसे पहले जो कम्बिनेशन आ रहा है वो कम्बिनेशन आपका आएगा D0 के लिए, दोनों इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट, मिन टर्म्स जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह से। देन D1 के लिए आपका जो केस बनेगा, एक का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक एज इट इज़ आ जाएगा। D2 के लिए आपका फिर A1 एज इट इज़ आ जाएगा और A0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और D3 के लिए दोनों बगैर कॉम्प्लीमेंट के आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट साइड पे ट्रुथ टेबल को देखें तो ये आपका इनपुट साइड है, ये आपकी आउटपुट साइड है। तो आउटपुट पे आपको एक इस तरह से डायगोनल आउटपुट मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। जैसे ये देखें कि यहाँ पे अगर ए भी ज़ीरो है और A1 भी ज़ीरो है, दोनों जब ज़ीरो हैं तो किस केस में वन होंगी, D0 में वन होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों वन वन हो जाएंगे और ये वन होगा। तो ये आपके पास, अगर आपने सिर्फ एंड गेट यूज़ किया है तो आपको एक इनपुट कॉम्बिनेशन, एक इनपुट कॉम्बिनेशन मींस अगर 0 1 है, 1 0 है, ये एक इनपुट कॉम्बिनेशन है, या 1 1 एक इनपुट कॉम्बिनेशन है, एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कोई सा भी एक जो आउटपुट D है वो 1 होगा। अगर आपका यहाँ पे नैंड गेट आप यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपकी आउटपुट जो है ये इस तरह से 1 1 हो जाएगी और डायगनल जो है आपका ऐसे बन जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये इस तरह से होगा कि अगर आप यहाँ पे नैंड यूज़ करते हैं तो जो 1 हैं वो 0 हो जाएंगे, जो 0 हैं वो 1 हो जाएंगे आउटपुट साइड पे, ठीक है। तो ये एक 1 होंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, और ये जो ऑलरेडी 1s थे ये 0 हो जाएंगे। देन यू विल मूव टू द 4-बिट डिकोडर। अब 4-बिट डिकोडर जो है उसका आपको अगर फार्मूला यूज़ करें तो आपकी जो इनपुट्स हैं वो 4 हैं और आउटपुट आपकी कितनी बिट्स होंगी, 16 बिट्स आउटपुट होंगी। दिस टाइप ऑफ डिकोडर इज़ कॉमनली कॉल्ड आइदर आ 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर बिकॉज देयर आर 4 इनपुट्स एंड 16 आउटपुट्स, ओके, या आप 1 of 16 डिकोडर बिकॉज ऑफ एनी गिवन कोड ऑन द इनपुट्स, 1 of the 16 आउटपुट्स इज एक्टिवेटेड। वही चीज़ कि अगर आपका कोई भी इनपुट साइड पे कम्बिनेशन होगा, ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस हमने 2 to 4 बिट डिकोडर में देखा कि कोई भी कम्बिनेशन है उस हर एक केस में सिर्फ एक जो आउटपुट बिट है वो 1 होगी। तो यही लाइन ये लिखी हुई है कि 1 of 16 डिकोडर बिकॉज फॉर एनी गिवन कोड, कोई भी कोड आपको गिवन है या कोई भी कम्बिनेशन आपको गिवन है इनपुट साइड पे, 1 of the 16 आउटपुट्स, इन 16 आउटपुट्स में से एक जो आउटपुट है वो एक्टिवेटेड होगी। एक्टिवेटेड मींस हाई होगी, 1 होगी। तो अ लिस्ट ऑफ द 16 बाइनरी कोड्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिकोडिंग फंक्शंस इज गिवन इन द टेबल ऑफ नेक्स्ट स्लाइड। उसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं। ये अब आपके पास 4 इनपुट्स एंड 16 आउटपुट्स का डिकोडर है। अब आपको यहाँ पे देखें आउटपुट साइड पे, ये वाला जो डायगनल है वो 0 है और बाकी जो है वो सारे 1 है,
दैट मीन्स के आपका जो एंड गेट की जगह पे नैंड गेट यूज हुआ है। नैंड गेट कैसे होता है, ऐसे आपका नैंड गेट यूज हुआ है तो उस नैंड गेट के सिलसिले में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एनी गिवन कोड एट इनपुट साइड, लेट्स सपोज हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपके पास आउटपुट ये वाली आ रही है, ठीक है। इसमें सारी आउटपुट सिमिलर हैं सिवाय इसके, इस आउटपुट के, तो इसको हम कहेंगे कि वन ऑफ द 16 आउटपुट इज़ एक्टिवेटेड, कि एक आउटपुट जो है वो डिफरेंट बिहेव करेगी, या तो वो ज़ीरो है या आप उसको वन कह सकते हैं। तो इसको मतलब इनपुट लो हम कंसीडर करेंगे, इनपुट लो को भी आप आउटपुट पे इंडिकेट करा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एलईडी है, तो एलईडी की जो आप की पिन्स हैं, ठीक है, एलईडी की जो पिन्स हैं वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होती है आपके पास, ठीक है। तो उसका इस तरह से सिंबल होता है एलईडी लाइट का। तो ये आप जैसे डायोड है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब एलईडी को ऑन करना है, एलईडी को ऑन करने के लिए जो आप लो नेगेटिव वाली साइड है वो इस बिट के साथ लगा देंगे और पॉजिटिव वाली साइड जो है वो भी सी सी के साथ आप कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी एलईडी इंडिकेट हो जाएगी स्पेसिफिक फॉर दिस केस, इस केस के लिए। अच्छा, ए लॉजिक सिंबल फॉर अ 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर, लॉजिकल सिंबल, ये आपकी 4 इनपुट्स हैं और ये आपकी 16 आउटपुट्स हैं, और इस तरह से आप इसका एक लॉजिकल सिंबल डिज़ाइन, या इसको कह सकते हैं कि लॉजिकल सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द बिन टू डेसिमल लेबल इंडिकेट्स दैट अ बाइनरी इनपुट मेक द कोरस्पोंडिंग डेसिमल आउटपुट एक्टिव। ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है बाइनरी टू डेसिमल, इसमें बाइनरी इनपुट्स हैं उसको एक डेसिमल कोरस्पोंडिंग डेसिमल आउटपुट एक्टिव हो जाती है उसके। लेट्स सपोज यहाँ पे 0001 ये इनपुट यहाँ पे आती है, तो आउटपुट साइड पे कौन सी बिट जो है वो एक्टिव होगी, वन वाली, ये वाली, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है। द इनपुट लेबल्स 8421 रिप्रेजेंट द बाइनरी वेज ऑफ द इनपुट बिट्स 2 3 2 2 2 1 2 0, ये इसका आपको बताएगा कि MSB और LSB कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने। डिकोडर एलिमेंट इफ एंड आउटपुट इज एक्टिव हाई आउटपुट, अगर तो आपका डिकोडर एलिमेंट एंड है तो जो एक्टिव, एक्टिव का मतलब होगा कि आउटपुट पे हाई आपको ऑब्टेन होगी, हाई मींस यहाँ पे वन आएगा। अगर डिकोडर एलिमेंट नैंड है तो आउटपुट पे आपको लो आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा आपको। वही चीज़ जो हमने प्रीवियस टेबल में भी डिस्कस की और उससे पहले 2 to 4 बिट डिकोडर में डिस्कस की थी, अगर आप एंड गेट को एज अ डिकोडर एलिमेंट यूज़ करते हैं तो आपके पास हाई आउटपुट केस आएगा, मतलब हाई आउटपुट केस डिफरेंट होगा बाकी बाकी दूसरी डिकोडर बिट से। इसी तरह अगर आप नैंड को यूज़ करते हैं तो नैंड के केस में जो डिफरेंट आउटपुट बिहेव होगी, मतलब बाकी सारी वन होंगी, ये सारी वन वन होंगी, सिर्फ एक आउटपुट डिफरेंट होगी जो कि ज़ीरो होगी, जिसको आप एक्टिव लो आउटपुट कहेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आउटपुट किस तरह से आएगी, हाई आएगी या लो आएगी। हाई मीन्स वन होगी और लो मीन ज़ीरो होगी। चलें, यहाँ तक जो है आज का हमारा लेक्चर, इतना आप लोग अंडरस्टैंड कर लें इसको अच्छे तरीके से।
फिर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मूव करें इसको। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही स्लोली आपको ये चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करवाऊँ डिकोडर की, क्योंकि इसके बाद इनकोडर वाली चीज़ आएगी, फिर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर इस तरह की फर्दर कॉम्प्लेक्स जो DLD के एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है, इसको आप लोगों ने कोशिश करना है कि रिवाइज़ कर लें और रेलेवेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप बुक से भी इनको डिटेल में स्टडी कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।